Hello everybody, today we'll be doing question number 8 from exercise 11a. From this figure, we have to find out the values of x, y and z. ये तीन angle की हमें value जो है find out करनी है, ठीक है? So, अब ये ऊपर वाला portion अगर हम देखते हैं, this, suppose this is line L1, right? And this is line L2, because L1 is a straight line. यहाँ पे L1 क्या है? एक straight line है. ठीक है, दैट मीन्स इस स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल होंगे यहाँ पर दे विल फॉर्म स्ट्रेट एंगल. और स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्रीज उनका सम होता है. तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, L1 इज स्ट्रेट लाइन, इस पे जितने भी एंगल्स यहाँ पे आएंगे इनका सम कितना हो जाएगा? 180. दैट मीन्स एंगल 40 डिग्रीज प्लस एंगल x, ये वाला एंगल, प्लस अगेन 30 डिग्रीज, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट? तो कितना हो जाएगा? 40 प्लस 30 इज 70 प्लस एंगल x, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 70, दिस विल बी 0 1 1 110 डिग्रीज. तो x की वैल्यू कितनी आई? x is equal to 110. Clear? ठीक? x angle x is equal to 110 degrees. तो अब x तो find out हो गया. अब हमको y और z find out करना है, right? तो हम क्या करेंगे? Let's see. L2 is a straight line. L2 फिर एक straight line है. ये एक straight line है L2. That means L2 के ऊपर जो भी angle आएंगे दे विल फॉर्म स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्रीज. तो मैं क्या करती हूँ, ये L2 पे एक x है, एक 30 है, एक z है. तो I'll add x plus 30 plus angle z. This is equal to 180 degrees. देखते हैं, ये L2 लाइन हुई, ठीक है? इसके ऊपर ये x आया, then we have 30, ये L2 है, इसके ऊपर एक एंगल x है, एक 30 है, देन वी हैव z हियर. अब क्लियर है? ठीक है, तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. तो मैंने तीनों को ऐड कर दिया. x कितना था? वी हैव फाइंड आउट x इज इक्वल टू 110. तो आई राइट 110 प्लस 30 डिग्रीज प्लस एंगल z, दिस इज इक्वल टू 180. इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 140 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180. तो एंगल z कितना आ जाएगा? 180 माइनस 40, दिस इज इक्वल टू 40 डिग्रीज. क्लियर? तो z भी फाइंड आउट हो गया, एंगल z इज इक्वल टू 40 डिग्रीज, राइट? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट y. ये y तो फाइंड आउट करना है हमें. अगेन दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, L1 इज अ स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन है, यहां पे दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180, राइट? एंगल y प्लस एंगल z विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज. ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180, राइट? तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा. एंगल z इज इक्वल टू 40, ये भी फाइंड आउट करा है. दिस इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 40, दिस इज इक्वल टू 140. तो ये एंगल y की भी हमें मिल गई है मेजरमेंट. क्लियर? नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.